सर, क्या मैं अपनी जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दूं? क्या मैं अपना जो भी काम कर रहा हूं वो छोड़ के मैं एज अ फ्रीलांसर कोई भी स्किल सीख लूं और उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर लूं? तो आपने अपनी जॉब को तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपके पास ये 5-6 स्टेप्स आपके पास नहीं आ जाते। पहली बात है कि योर साइड इनकम कवर्स ट्वाइस हो जाए। उससे आपके जो टिप है दैट इज कि आपके पास ना कुछ इमरजेंसी फंड्स भी होने चाहिए। आप उस स्किल के अंदर अपने आप को इस लेवल पे ना ले जाएंगे, आपके मुकाबले में कोई नहीं है, तब तक आपने अपनी जॉब को क्विट नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट वन है, हार्ड वर्क आपकी सक्सेस की की है। तो आप लोग भी अगर 12 से 16 घंटे काम करने के लिए एग्री है तो आपने अपनी जॉब को क्विट करना है, अदरवाइज आपने अपनी जॉब को क्विट नहीं करना। और लास्ट बात है कि आपने एक्सक्यूजेस नहीं करने हैं। अगर आप इंडेक्स को 100% आप फुलफिल करेंगे देन जाके आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जॉब को क्विट करें और फ्रीलांसिंग को फुल टाइम आप देना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं एमवाई सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं पिछली वीडियो के साथ लिंक करना चाहूंगा। रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बना के आपको दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से एज अ फ्रीलांसर आपने अपनी अर्निंग को सिक्योर करना है, कैसे आप अपनी अर्निंग का ग्राफ बढ़ा सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट हेड्स के अंदर अपना रिसीव हुआ पैसा आप सेव कर सकते हैं ताकि कल कोचिंग जिस टाइम में आपके पास पेमेंट्स नहीं आ रही होंगी, आपका वर्क डाउन होगा, उस टाइम पे आपने किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। ये वीडियो उसका नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपने वो वीडियो देखनी है, वो आपको एज अ फ्रीलांसर फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ा ही जबरदस्त फार्मूला आपको दिया गया है। तो आज की वीडियो जो है वो उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। बहुत से फ्रीलांसर हमसे रब्ता करते हैं कि सर, क्या मैं अपनी जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दूं? क्या मैं अपना जो भी काम कर रहा हूं वो छोड़ के मैं एज अ फ्रीलांसर कोई भी स्किल सीख लूं और उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर लूं? तो उसके रिलेवेंट में आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं कि आपने अपनी जॉब को तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपके पास ये 5-6 स्टेप्स आपके पास नहीं आ जाते। इसके लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने भी इन चीजों को फेस किया हुआ है। आज से तकरीबन 8-10 साल पहले जब मैंने अपने करियर का फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में मैं इन हुआ था तो मुझे भी इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, मेरे सामने बहुत से चैलेंजेस थे। तो वो कौन सी टिप्स है जिनको फॉलो करते हुए मैं आज आपके सामने इस तरह से आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ? कल को इंशाल्लाह आप लोग इस तरह कम्युनिकेट कर रहे होंगे, अपने फॉलोअर्स को अप्लाई कर रहे होंगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है कि आपने अपनी जॉब को क्विट नहीं करना अनटिल और अनलेस, तब तक जब तक आपने ये 5-6 बातें पूरी नहीं कर लेनी। नंबर वन, पहली बात है कि योर साइड इनकम कवर्स ट्वाइस। आपकी जो साइड इनकम है आपकी जॉब के साथ, आपने फ्रीलांसिंग देखिए आपने करनी है ना, तो आप अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम नहीं है डिसाइडेड कि आपने इस टाइम में आपने काम करना है, इस टाइम पे आप काम नहीं कर सकते। फ्रीलांसिंग की वैसे भी जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो आपकी जॉब के बाद ही स्टार्ट होते हैं नाइट में, क्योंकि ज्यादातर काम जो इसका आउटसोर्स हो रहा होता है वो अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री से हो रहा होता है। तो हमारा टाइम गैप है, वो हमसे टाइम में पीछे है, हम उनसे आगे हैं, कहीं पर 12 घंटे का डिफरेंस है, कहीं पर 5 घंटे का डिफरेंस है। तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं जॉब के दौरान। तो आप जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग सीखें, फ्रीलांसिंग के लिए किसी स्किल का आगाज करें, स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। तो आपने जब तक आपकी इनकम कवर ना कर ले आपके मंथली एक्सपेंसेस को 2 times, मिसाल के तौर पर आपके घर के जो एक्सपेंसेस है वो 20,000 है, तो आप उसको जब तक आपके पास एक स्टेबल इनकम ना आना शुरू हो जाए 40,000 रुपए की, तब तक आपने फ्रीलांसिंग को अपना अपनी जॉब को आपने क्विट नहीं करना। जॉब क्विट करने के लिए आपके पास ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट टिप है कि आपके पास मंथली इतनी इनकम आना शुरू हो जाए कि आपके 2 months का जो एक्सपेंस है वो कवर होना शुरू हो जाए। तो सेकंड जो टिप है दैट इज कि आपके पास ना कुछ इमरजेंसी फंड्स भी होने चाहिए। आपको लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बना के दी थी आपको प्रॉपर एक ग्राफ भी मैंने दिखाया था, उस ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने इतने इतने हेड्स के अंदर इतने इतने परसेंट आपने सेविंग करनी है, ठीक है। तो उसमें जो आपके पास इमरजेंसी फंड्स हैं वो आपके पास इतने होने चाहिए कि कम से कम आपके पास 6 months का बैकअप बन जाए। 6 माह अगर आपके पास काम नहीं होता, आपको कहीं से ऑर्डर नहीं आते, आपको एज अ फ्रीलांसर में कोई सक्सेस नहीं मिलती, तो उसके बावजूद भी आप इजीली अपने 6 months आप स्पेंड कर सके, ठीक है। देन आपने क्विट करनी है जॉब और फिर आपने आना है फ्रीलांसिंग की तरफ। देन उसके बाद हम नंबर 3 की बात करते हैं कि यू आर स्किल्ड इनफ
आपने ऐसा नहीं करना कि आपने स्किल सीख ली और फौरी तौर पर आपने कहा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और अब तो फ्रीलांसिंग में मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं, अब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब मैं जॉब की नीड नहीं है, ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। जब तक आप उस स्किल के अंदर मास्टर ना हो जाए, आप उस स्किल के अंदर अपने आप को इस लेवल पे ना ले जाएंगे आपके मुकाबले में कोई नहीं है, तब तक आपने अपनी जॉब को क्विट नहीं करना, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी और आप अपनी जो जॉब है उससे भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क आपकी सक्सेस की की है। आपने हार्ड वर्कर अगर आप हैं तो आपने फ्रीलांसिंग की तरफ आना है, अदरवाइज आप जॉब करते रहे। जैसे गवर्नमेंट मुलाजिम अक्सर उनका ये होता है कि वो बैठे होते हैं, मैं किसी गवर्नमेंट मुलाजिम को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहां पर मेजोरिटी लोग ऐसे बैठे होते हैं कि सिर्फ आना है हमने 9 बजे 8 बजे हमने आ जाना है, 3-4 बजे घर जाके हमने रेस्ट करनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने 7-8-9 बजे हमने आ जाना है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज अगर आप करते हैं, आपकी यही लाइफ रूटीन रहने वाली है, तो उस सूरत में आपने फ्रीलांसिंग की तरफ आप ना आने का सोचे, आप जॉब भी करते रहे वहीं पर आपकी सक्सेस है। ठीक है, तो आप अगर हार्ड वर्कर हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप अपनी जॉब को क्विट करें और फ्रीलांसिंग की तरफ आए। नेक्स्ट पॉइंट है यू आर रेडी टू वर्क 12-6 आवर्स अ डे। जब मैंने फ्रीलांसिंग की फील्ड में मैंने इन हुआ था 2016 में 2015 में, उस टाइम पर मैं 18-18 घंटे मैंने काम किया हुआ है, 12 घंटे काम जॉब का, 7-8 घंटे जो जॉब होती है वो मैंने जॉब करना, उसके बाद वही वाला काम आके फिर मैंने फ्रीलांसिंग को टाइम देना। तो नॉर्मल जो एवरेज रूटीन थी वो 15-16, 16-17 घंटे काम करता था मैं। तो आप लोग भी अगर 12-16 घंटे काम करने के लिए एग्री है तो आपने अपनी जॉब को क्विट करना है, अदरवाइज आपने अपनी जॉब को क्विट नहीं करना और फ्रीलांसिंग की तरफ आपने नहीं आना, अदरवाइज क्या होगा, बहुत से लोग आजकल फ्रीलांसिंग की फील्ड में आते हैं फ्लॉप हो जाते हैं। रीजन इज दैट उनको इन टिप्स का आइडिया नहीं होता। अगर आप ये बातों के ऊपर फोकस करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह यू विल बिकम सक्सेसफुल फ्रीलांसर और इंशाल्लाह आपके साथ मजीद लोग भी जुड़ेंगे। और लास्ट बात है कि आपने एक्सक्यूजेस नहीं करने। ये ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आपके साथ भी बात कर रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है और आप उसे कोई यार मैं तो सो रहा हूँ, यार मैं तो नाइट में मैं काम नहीं कर सकता। हमारे पास जब काम आता है ना, जब हमारे पास यहाँ पर काम की भरमार होती है, उस टाइम पे हम स्लीपलेस नाइट्स गुजारते हैं, एक्सक्यूज़ नहीं चल सकते ना। अगर आपने कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ लोगों से डिफरेंट अपने आप को आपने शो करना है, तो फिर आपको इन चीजों के ऊपर आपको एक्सक्यूज़ से दूर होना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सक्यूज़ नहीं करने वाले किसी भी काम को लेके, आप कोई आप छोटा मोटा काम आप यह समझे यार ये काम मैं करूंगा, अब ये वाले काम सारे मैंने करने हैं, इस तरह की अगर आपकी साइकोलॉजी है तो आप फिर काइंडली अपनी जॉब ही करते रहे, जॉब को क्विट ना करें, अदरवाइज आपके लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको दी है, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करने वाले हैं, अगर आप इन टिप्स को 100% आप फुलफिल करेंगे, देन जाके आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जॉब को क्विट करें और फ्रीलांसिंग को फुल टाइम आप देना शुरू करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो शॉर्ट ही आपको पसंद आई होगी, पिछली वीडियो के साथ ये लिंक करती है। मैं दोबारा कहूंगा अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देखें, ताकि उस वहां से जो फंड्स जनरेट होंगे उन फंड्स की बेस के ऊपर फिर आपने डिसाइड करना है कि मैं जॉब छोड़ूं या फ्रीलांसिंग की तरफ आऊं या ना आऊं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।